Friends, welcome you in YouTube channel by Deepika Chavan in Easy Home Recipe and in Mom's Magic. आज आपको बर्गर बनाने की विधि बताते हैं। उसके लिए हम चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने हाफ कप पुदीना लिया, दो स्लाइस अदरक, यहाँ भूंजा हुआ जीरा का पाउडर 1/4 टीस्पून लिया, हम एक आलू का मेजरमेंट बोल रहे हैं, और 1/4 टीस्पून शुगर लिया है, यहाँ पर नमक स्वाद अनुसार लिया है, और 1/4 नींबू लिया है। अब इसे मिक्सी में डालकर हम चटनी बनाएंगे। इस तरह बर्गर को लगाने का चटनी रेडी है। टिक्का बनाने के लिए हमने 1 टीस्पून ऑयल लिया है। उस तेल में हम छोटा सा प्याज, आधा लहसुन का पेस्ट 1/4 टीस्पून लिया है, और उसे अच्छी तरह पकने दो धीमी आंच। प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह कुक हुआ है। अब उसे हम आलू के टिक्के में डालेंगे। हमने एक आलू उबाला है, उसके लिए 1/4 टीस्पून भुंजा हुआ जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून हमने लाल मिर्ची पाउडर लिया है, और कोथमीर लिया है जो हमने यहाँ प्याज और अदरक लहसुन उसमें मिक्स करेंगे। हमने उस आलू को सब कुछ डाल कर अच्छी तरह मिक्स किया है, इस तरह टिक्का बनाया है। मैं उस टिक्के को अच्छी तरह पकाया, दो साइड भी थोड़ा सा तेल डालकर। अभी हम उस बर्गर के ब्रेड के ऊपर हम सॉस दोनों साइड लगाएंगे, अच्छी तरह लगाएंगे। अच्छी तरह लगाएंगे। एक साइड सॉस लगाने के उस पर पुदीना का चटनी जो हमने रेडी किया है उसे अच्छे तरह लगाएंगे। देखिए हम बन के दो साइड भी अच्छी तरह सॉस लगाए हैं, अब चटनी भी अच्छी तरह लगाएंगे। अब जो आलू का टिक्का हमने बनाया है, उबले आलू का, जिसमें हम प्याज पका के, अदरक लहसुन, जीरा, कोथमीर, नमक, लाल मिर्ची डाल के वो टिक्के को इस तरह हमने जो पैन पर ये किया है वो टिक्का इस साइड लगाएंगे, और उसके ऊपर हम प्याज, शेव, लगाएंगे। अच्छी तरह लगाया है, अब उसे कट कर देखिए आपका बर्गर रेडी है। थैंक यू वेरी मच बाय दीपिका चव्हाण। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।